खबर ओमकारेश्वर से है। नाविकों ने ओमकारेश्वर में मौन रैली निकाली। जिला प्रशासन एवं एनएसडीसी के विरुद्ध नाविकों की मांग है कि हमने पूर्व में भी प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर महोदय श्रीमती तन्वी सुंदरियाल को ज्ञापन सौंपा था। कार्रवाई नहीं होने पर पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया कि हमारे पास बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं, हमारे घरों में खाने तक के लिए नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः हम सब नाविक मौन रैली निकालकर शासन प्रशासन को फिर से अवगत करा रहे हैं। वहीं नगर परिषद ने भी मीटिंग का प्रस्ताव पारित कर दिया, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। अभी तहसीलदार और SDM एवं कलेक्टर महोदय को तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी बाढ़ में 4 नाव पानी में डूब गई है, अतः एनएसडीसी शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन किया है कि हमारी ओर ध्यान दिया जाए। ये कागज कौन सा है, क्या है नगर परिषद ओंकारेश्वर का? जी श्रीमान जी, ये कागज ओंकारेश्वर नगर परिषद का प्रस्ताव ठहराव है, जो ओंकारेश्वर के नाविकों को बाढ़ ग्रस्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु संबंधित विभागों को लिखा गया है, जिसमें 15 पार्षद और ओंकारेश्वर नगर अध्यक्ष श्री अंतर सिंह बारे की सहमति है। जिसमें प्रस्ताव ठहराव हुआ है कि ओंकारेश्वर की फूल प्रसादी की दुकान लगा के जो महिलाएं घाटों पर जीवन यापन करती है एवं ओंकारेश्वर के नाविक परिवार जो ओंकारेश्वर बांध से त्रस्त हैं, परेशान हैं, उन लोगों को शासन प्रशासन सहायता राशि प्रदान करे। इस संदर्भ में ये प्रस्ताव ठहराव ओंकारेश्वर नगर परिषद ने दिनांक 11/9/2019 को लिया है। जी, ये नगर परिषद से प्रस्ताव हुआ है पूरी कमेटी का? जी, पूरी कमेटी का, जिसमें 15 पार्षदों की सहमति है। देखिए आप, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये संबंधित विभागों को 9 जगह पहुंचा दिया गया है। आपका शुभ नाम? भोलाराम केवट है जी। आप ये जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? हमारी जो 4 महीने से हम NATC द्वारा बांध द्वारा पीड़ित है, इसके खिलाफ NATC के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हम करने जाएंगे। इसलिए हम अधिकारियों को, नगर के वरिष्ठ अधिकारियों को, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को, मंत्रीगण और NATC के अधिकारियों को ये सूचना देने जा रहे हैं। जी, ये आपका किस प्रकार का जुलूस है? कोई नारेबाजी किसी प्रकार की, क्या हमारा है? हमारा गांधीवादी तरीके से जुलूस है। हम इसमें न शोर शराबा कर रहे हैं, न किसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और हम शांति तरीके से जुलूस, मौन जुलूस निकाल के ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम से तहसीलदार साहब को देंगे और SP साहब के नाम से TI साहब को देंगे। जी, आपने पूर्व में भी अवगत कराया था कि हमारे बच्चों के मंत्री जी महोदय आए थे यहाँ पे, प्रभारी मंत्री। जी जी, हमने है ना प्रभारी मंत्री जी से मुलाकात की थी 28 तारीख को। उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था और कलेक्टर साहब को मौखिक निर्देश दिए थे कि हमारे बच्चों की 4 महीने की अभी की फीस माफ हो जाए। वो फीस अभी तक हमारी माफ नहीं हुई है। जी, और दूसरी बात, आपने सभी लोगों को एक बार और सूचित अवगत कराया था, तहसीलदार साहब वगैरह सभी को, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? इसमें हमने पुनः अवगत कराया था पत्र के माध्यम से, कलेक्टर साहब को अवगत करवाया था पत्र के माध्यम से, तहसीलदार साहब, SDM साहब और प्रभारी मंत्री जी को फिर से अवगत कराया था। फिर भी उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और आज हम इस स्थिति में है कि हमारे बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे और हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में खाने के वांदे पड़ रहे हैं, हमारे घर कैसी तरीके चला रहे हैं हम हमारी आप बीती जान रहे हैं। जी, आपके ऐसे कितने परिवार हैं? हमारे कम से कम 200 नावें हैं, तो कम से कम 400-500, कम से कम 600 परिवार हैं हमारे। 600 परिवार हैं, सभी के बच्चों के लिए फीस भरने के लिए नहीं है, हम रोजी रोटी की समस्या आपके रोजी सामने, रोटी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण, रोजी अभी तो घर चलाने की स्थिति बहुत ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि हमारे घर चलाने के हमारे को खाने के वांदे हो रहे हैं। हमारे को ना नगर उससे सोसाइटी से नहीं किसी प्रकार से सुविधा मिलती है, ना नगर में कोई किसी बात की सुविधा है। जी, NATC लाखों करोड़ों रुपया कमा रही है, रोज के लाखों करोड़ों रुपया कमा रही है बिजली बना के, बाकी हमारे नगर के नाम से और हमारे यहाँ नीचे रहने वाले नाविकों के लिए किसी प्रकार से, और अभी हमारे यहाँ 4 नावें बह गई है, उसमें किसी प्रकार से हमें कोई सहयोग शासन प्रशासन किसी के थ्रू नहीं हो रहा है हमारे को। जी, ये आपकी नावें कब से बंद है, कितना समय हो गया है? नावों को बंद हुए कम से कम 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने से तो कंटिन्यू बंद है और 4 माह से तो आगे पीछे करके काफी परेशान है हम नाविक लोग, और आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि मजबूरन हम सब नाविकों को एकत्रित होकर शासन प्रशासन और NATC के खिलाफ मौन रैली। ओमकारेश्वर से हमारे संवाददाता दिलीप वर्मा की रिपोर्ट।